जय भीम जय मूल निवासी एमएनटी न्यूज नेटवर्क में मैं शैला आपका स्वागत करती हूँ। उत्तराखंड के जिला हरिद्वार में स्थित चौधरी भरत सिंह डीएवी इंटर कॉलेज में अध्ययनरत 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ यहाँ के अध्यापक द्वारा प्रबंधन की छत्र छाया में योजनाबद्ध तरीके से पिछले कुछ महीनों से नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का मामला उजागर हुआ है। निरंतर छात्रा को वीडियो वायरल करने और जान से मारने का डर दिखाकर ब्लैकमेल कर लगभग 8 माह तक यह अध्यापक इस छात्रा के साथ दुष्कर्म करता रहा। मामला 11 मार्च को पीड़िता ने स्वयं उजागर किया, जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए विभिन्न संगठन और लोगों के सहयोग से प्रभारी थाना में केस दर्ज किया गया। इस उपरांत दुष्कर्म पीड़ित छात्रा के साथ मूल निवासी विद्यार्थी संघ, मूल निवासी संघ, बामसेप एवं पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में पीड़ित छात्रा और पीड़ित परिवार से उनके आवास पर मुलाकात की गई तथा कार्यकर्ताओं ने पीड़िता को हर संभव प्रयास के साथ संगठन की ओर से साथ एवं सहयोग मिलने का आश्वासन दिया। आइए देखते हैं यह खबर। उत्तराखंड के जिला हरिद्वार थाना जबरखेड़ा क्षेत्र में स्थित चौधरी भरत सिंह डीएवी इंटर कॉलेज में अध्ययनरत 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ एक शिक्षक ने अपने कोचिंग सेंटर से लेकर कॉलेज परिसर में भी प्रबंधन की छत्र छाया में योजनाबद्ध तरीके से पिछले 19 जुलाई 2020 से नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। उसके बाद भी निरंतर छात्रा को वीडियो वायरल करने और जान से मारने का डर दिखाकर ब्लैकमेल कर लगभग 8 माह तक वह दुष्कर्म करता रहा। मामला 11 मार्च 2021 को पीड़िता ने उजागर किया, तत्काल संज्ञान लेते हुए विभिन्न संगठन और लोगों के सहयोग से केस दर्ज किया गया। इस उपरांत दुष्कर्म पीड़िता छात्रा के साथ 15 मार्च को मूल निवासी विद्यार्थी संघ, मूल निवासी संघ, बामसेप और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में पीड़ित छात्रा और पीड़ित परिवार से उनके आवास पर मुलाकात की गई और कार्यकर्ताओं ने पीड़िता को हर संभव प्रयास के साथ संगठन की ओर से साथ एवं सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस दौरान मामले को गंभीरता के साथ कार्यवाही हेतु क्षेत्रीय प्रशासन थाना जबरखेड़ा इंचार्ज से मूल निवासी विद्यार्थी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी ललित कुमार और मूल निवासी संघ के राज्य महासचिव मूल निवासी अनुज कुमार इन्होंने मुलाकात कर तत्काल कार्रवाई करने की बात कही। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने थाना प्रभारी को सख्ती के साथ अपराधी को एक दिन में गिरफ्तार नहीं करने पर देश भर में धरना प्रदर्शन के तहत आंदोलन करने की चेतावनी दी। ये एक प्रकाश में आया है अभी 11 तारीख को। ये उत्तर प्रदेश में एक गांव पड़ता है जटोल, और ये उत्तराखंड के बॉर्डर से बिल्कुल टच में एक गांव है, जो जहां के ज़्यादातर बच्चे उत्तराखंड के ही एक झबरेड़ा कस्बा के इंटर कॉलेज जो है चौधरी भरत सिंह डीएवी इंटर कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। वहाँ की एक छात्रा जिसके साथ में एक टीचर ने, उसी इंटर कॉलेज के टीचर ने उसके साथ में बलात्कार किया, और ये केस जो है उसके साथ पिछली 29 जुलाई से उसके साथ ये केस हुआ था। लेकिन वो उसको मेंटली टॉर्चर करता रहा, उसको वीडियो वायरल करने के नाम पर उसको वो ब्लैकमेल करता रहा, और इसलिए ये मामला प्रकाश में नहीं आया। इसके बाद ये जब टॉर्चर करने की प्रक्रिया तेज़ी से बढ़ती गई और बहुत बड़े स्तर पर ये पूरी प्लानिंग के साथ में उसके साथ आगे भी शोषण, ऑफिस में बुला के, कॉलेज के ही अंदर वो ऑफिस में बुला के भी उसके साथ में दुष्कर्म करता रहा, तो वो लड़की ने इसकी खिलाफत करने का निर्णय लिया और लड़की ने बड़ी मुश्किल से इस चीज़ को लोगों के सामने रखा। अभी हाल ही में इसको सबसे पहले जब 11 तारीख को देवबंद थाने पे जाके उन्होंने रखा, तो वहाँ के थाना अध्यक्षों ने, वहाँ के प्रशासन ने इस बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, और उन्होंने यूपी का हवाला देते हुए कि ये मामला उत्तराखंड का है, तो इसलिए उन्होंने इसको दायर नहीं किया केस। अभी उत्तराखंड के थाना झबरेड़ा में इस मामले को दर्ज किया गया है, कल ये मामला दर्ज हुआ है, और उसके बावजूद अभी तक वो उसकी जो जिसने बलात्कार किया है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम भी यहाँ पर पीड़ित परिवार से मिले हैं, पीड़िता से मिले हैं, जिसके साथ में आज पूरा समाज और पूरे समाज के जो लोग हैं वो लोग खड़े हैं, और ये सबसे बड़ी दुख की बात है कि देश के विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा स्तर पर एक तरह से जो शोषण होता है, उनके साथ क्राइम होता है, और वो पूरे संस्थागत तरीके से होता है, और इस वजह से हमारे समाज के, मूल निवासी समाज के, भारत के विद्यार्थियों को उनके डेवलपमेंट से रोकने की साजिश बहुत बड़े स्तर पे चलती रहती है। लोग और विद्यार्थी के साथ में जब टीचर ऐसा काम करता है तो बड़ी शर्मिंदगी होती है। हम इस
पीड़िता को न्याय मिले इसकी मांग करते हैं, और शासन प्रशासन से, उत्तराखंड शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं पूरे इस दुष्कर्म की निंदा करते हुए कि जल्द से जल्द उसको फांसी की सजा हो। हम अभी आज उस लड़की का हमारे पूरे संगठनिक प्रतिनिधि मंडल के सहयोग के साथ, और पूरे उस लड़की का आज मजिस्ट्रेट के यहाँ बयान होने वाला है, और हम आज डीएम से मिलेंगे और यहाँ के थाना अध्यक्ष और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से मिलके हम उसके लिए न्याय की मांग करेंगे। अगर जल्द ही उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो हम जो भी हमें संवैधानिक कार्रवाई करने के लिए, जो भी हमें प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा वो हम करेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, उसको फांसी नहीं होगी। जिसने ये बलात्कार किया है ऐसे दरिंदे को सलाखों के अंदर नहीं बल्कि फांसी के तख्ते पर लटका कर मार देना चाहिए। ये हम सरकार से मांग करते हैं, इसको न्याय मिलना चाहिए। बताया जा रहा है कि पीड़िता को अपराधी के बाहुबली और धनाढ्य लोगों द्वारा चुप रहने का दबाव बनाया जा रहा है, इसीलिए पीड़िता को पुलिस सुरक्षा देने के लिए भी प्रशासन से मूल निवासी विद्यार्थी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कहा गया है। उन्होंने प्रेस वार्ता में बताया कि सामान्यतः गरीब शोषित पीड़ित वर्गों के ही विद्यार्थियों को संस्थागत अपराधों का शिकार बनाया जाता है, इसलिए भी विद्यार्थी शिक्षा के ठग बाजार में आज भी द्रोणाचार्य जैसे अन्यायकारी शिक्षकों के शिकार तो हो ही रही है। ऊपर से शासन प्रशासन भी आम गरीब जनता के साथ जुल्म करने वालों को खुलेआम घूमने देती है। पीड़िता को जबरेड़ा थाना से पुलिस सुरक्षा के मिलने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ताओं की निगरानी में रुड़की कोर्ट में उपजिला मजिस्ट्रेट को पीड़िता ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी अपने बयानों के साथ दी। संगठन के कार्यकर्ताओं ने शीघ्र ही गिरफ्तारी और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग के साथ अपराधी अध्यापक को फांसी की सजा की मांग रखते हुए विरोध प्रदर्शन के साथ शीघ्र न्याय न मिलने पर आंदोलन की चेतावनी के तौर पर शासन प्रशासन को ज्ञापन देने की भी बात कही। इस अवसर पर मूल निवासी जोनी कुमार, मूल निवासी गोविंद सिंह, मूल निवासी सोनू, मूल निवासी सुधीर कुमार, मूल निवासी सोनू राम, एडवोकेट भरत सिंह, समाज सेवी अनुज कुमार सहित मूल निवासी भोजन कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। एमएनटी न्यूज नेटवर्क के लिए हरिद्वार से संवाददाता की रिपोर्ट।